पश्चिमी सिंहभूम जिले में नकली शराब बनाने और नकली शराब को सरकारी लाइसेंसी दुकानों में बेचने का मामला थम नहीं रहा है। एक के बाद एक मामलों का उजागर हो रहा है। इसी क्रम में जिले के चाईबासा शहर में सरकारी दुकानों में अवैध नकली शराब बनाकर बेचने के गोरख धंधे का भंडाफोड़ हुआ है। इस मामले में शराब दुकान के दो कर्मचारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पाता हाथू में चार मिनी शराब फैक्ट्री का पुलिस ने उद्भेदन किया है। पता चला है कि यहां अवैध तरीके से नकली शराब बनाकर सरकारी शराब की दुकानों पर बेचने का गोरख धंधा चलाया जा रहा है। इस पूरे कारोबार में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की मिलीभगत की खबर भी सामने आ रही है। तलवा